धार जिले में किसानों को उनकी उपज के सही दाम न मिलने और सोयाबीन की फसल में येलो मोजेक नामक बीमारी से परेशान कृषकों का गुस्सा लगातार बढ़ते जा रहा है और आए दिन किसानों द्वारा आंदोलन किए जाने की जानकारियां सामने आ रही है। ऐसे में आज फिर धार जिले के सरदारपुर क्षेत्र के दसई में मांगोत कानवन मार्ग पर किसानों द्वारा करीब एक घंटे तक चक्का जाम करते हुए लहसुन और प्याज सड़क पर डालकर उनमें आग लगा दी गई। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें भी लग गई थी। वह वाहन चालकों के साथ ही यात्री परेशान होते दिखे। पूरे घटनाक्रम में गुस्सा एक किसान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए शासन प्रशासन से फसलों के सही दाम दिलवाने सहित सोयाबीन की फसल में लगी बीमारी का आकलन करवाकर मुआवजे की मांग करते रहे। वह बंद निर्यात व्यवस्था लागू करने की मांग करने लगे। इस दौरान किसानों के समर्थन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम और क्षेत्रीय कांग्रेसी नेता भी पहुंचे। वह उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार को चेतावनी देते हुए शीघ्र ही किसानों की मांगे माने जाने सहित पीड़ित किसानों को फसलों का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिलवाने की बात कही। साथ ही गौतम ने कहा कि सरकार ने अगर शीघ्र ही कदम नहीं उठाया तो 8 सितंबर से कांग्रेस क्षेत्र में उग्र आंदोलन करेगी। इधर चक्का जाम की सूचना के बाद दसई चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे के बाद हंगामा करते हुए किसानों को हटाकर यातायात सुचारू किया गया। उक्त चक्का जाम के दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रीय किसान भी मौके पर पहुंचे थे। किसानों ने कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुंद गौतम के साथ राज्यपाल के नाम चौकी प्रभारी को ज्ञापन भी सौंपा। ये सरकार की गलत नीतियों के कारण आज किसान रोड पर है। उसको अपनी उपज के दाम नहीं मिल रहे, लहसुन प्याज के लागत नहीं निकाल पा रहा, इसलिए किसान आक्रोशित है और रोड पर उतर गया है सरकार की गलत नीतियों के कारण। आज हमने रोड पर लहसुन प्याज खाली करके विरोध जताया है ताकि कुंभकर्ण सोई हुई सरकार जाग जाए। आज किसान अपनी उपज का सही मूल्य नहीं ले पा रहा है और इतना आक्रोशित है कि आज वह इतना मजबूर हो गया है कि सड़क पर उसकी फसल लेकर वह खड़ा है और किसान सरकार की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम सरकार से यह आशा करते हैं कि आयात निर्यात का जो भी हो वो खोले और किसानों के प्रति जो हो सके जितना हो सके उन्हें उनकी उपज का सही मूल्य और दाम दिया दिलाया जाए। सरकार से यही विनम्र निवेदन है किसानों का, नहीं तो फिर सरकार देख लेंगे अपने हिसाब से कि किसान कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए भी किसान तैयार है। दिन रात मेहनत करता है किसान, खून पसीना एक करता है किसान, जब जाके उपज तैयार होती है 4 से 5 महीने किसान इसे स्टोर करके रखता है और उसके बावजूद भी अगर किसानों को अपना उपज का सही मूल्य और दाम नहीं मिल रहा है तो किसान क्या करेगा। हम किसानों का गाड़ी कमाई का मेहनत का उपज का दाम नहीं मिल रहा है, इस कारण हमारे किसान भाई यहाँ पर आज सड़क पर बैठे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं जिस प्रकार से इन्होंने निर्यात बंद कर दिया है, निर्यात खोला जाए और जो येलो फंगस लग गया है अभी इसमें सोयाबीन में येलो मोजक लग गया है उसके लिए भी हम लोग 8 तारीख को आंदोलन करने जा रहे हैं। घड़का से हम लोग पदयात्रा करेंगे बदनावर तक। किसानों की लड़ाई जिला कांग्रेस और मध्य प्रदेश कांग्रेस लड़ने के लिए तैयार है, 8 तारीख से हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन सरकार के कान में जू नहीं लग रही है, सर्वे नहीं करा रही है। मुआवजा तो दूर की बात है, सर्वे हो जाए तब मुआवजा मिले। हम 8 तारीख तक का टाइम दिया है वरना हम उग्र आंदोलन करेंगे और हमारे किसानों का हम जो है हक लेकर रहेंगे। ग्राम दसई के किसान बंधुओं के द्वारा आज सांकेतिक चक्का जाम की कार्रवाई की गई है। इनकी ये डिमांड है कि सरदारपुर क्षेत्र में जो लहसुन और प्याज की पैदावार हुई है उसका उचित मूल्य गवर्नमेंट इनको नहीं दे रही है। इसी से दसई क्षेत्र के किसानों ने नाराज़ होकर के ये चक्का जाम की कार्रवाई की थी।